Hello, hi, good evening everyone. Hoping all of you are doing well. I'm Aditi, your English educator for UGC NET Paper 2. और आज हम बात करेंगे regarding cutoff and I feel शायद आप सबको भी ये जानना है जो कि मैंने analyze किया regarding my previous videos comment section which is filled with the score and the cutoff. जो कि result हमारे पास नहीं आया है अभी तक, खैर पता नहीं कब आएगा, but हम इस पर एक चर्चा कर सकते हैं on your demand because आपने ये demand करा है and I'm here to fulfill that. तो I'm not at all in favor of the video, but ठीक है, to be on the safer side अपन यहाँ पर discuss कर सकते हैं. ठीक है, कट ऑफ का मैंने आपको पहले भी एक एक्सपेक्टेड आइडिया बताया है, बट फाइनल आंसर की के बाद कितने क्वेश्चंस ड्रॉप हुए उसके ऊपर हम एक बात कर सकते हैं. ठीक है, इससे पहले मैं बात कर लेती हूँ अपने फाउंडेशन बैच की. आपने फाइनल आंसर की देख लिया है. दिस क्लिप इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव सीन द आंसर की, हु हैव सीन देयर रिजल्ट्स, कितना स्कोर बन रहा है. लग रहा है बहुत ही क्लोज एरिया पे हो तो बिल्कुल वेट कर सकते हो रिजल्ट का, अदरवाइज प्लीज प्लीज आप शुरू कर सकते हैं अपने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए. और इसके लिए आप लेट ना करें बिकॉज ऑलरेडी चीजें इतना लेट है एंड नाउ विद इंक्लूजन ऑफ थर्ड कैटेगरी पीएचडी स्कोर आपका वो यूनिवर्सिटीज रिलाई नहीं करेंगी, आपको ऑन टाइम एडमिशंस देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपका साइकिल भी उसी ही तरीके से चलेगा. तो दिसंबर के लिए आप बहुत सीरियस तरीके से पढ़ाई शुरू करना कर दीजिए. एंड अगर मैं अपनी बात करूँ, सो माई बैच इज रनिंग टिल मॉडर्न एज नाउ, वी आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कम्प्लीटिंग ब्रिटिश लिटरेचर. नई एज में शुरू करने वाली हूँ. अगर आपको एनरोल करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं. एंड अलॉन्ग विद पेपर टू ऑफ कोर्स इंग्लिश आपको पेपर वन भी मिलता है. एंड अगर आपने इंग्लिश का पिछला अटेम्प्ट दिया है यू विल नो हाउ द पेपर वॉज, स्पेशली शिफ्ट टू. आप कितनी भी तैयारी कर लें बट पेपर वन आपको उस जाल में से निकाल सकता है, आपको सेफ स्कोर पर वो रख सकता है. सो मेक पेपर वन योर कंपेनियन. आपको यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है अलॉन्ग विद द हैंडबुक. तो इसके बारे में आप सोच सकते हो. ऑफकोर्स स्टडी प्लानर इज द मेन पार्ट एंड आई शो यू द स्लाइड एज वेल. स्टडी प्लानर अपना ये है और जो कि बहुत ही डाइवर्स रहना चाहिए. वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर और वन पर्टिकुलर यूनिट. थोड़ा सा ऑलराउंडेड रखोगे एग्जाम में काफी हेल्प करता है. दीज आर सम ऑफ द टेम्पलेट्स. हाउ आई लाइक टू एंड माई सेशंस विद वर्ड ऑफ द डे एंड लिटरेरी टर्म्स. ये मेरे हैंडल्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं रिगार्डिंग ऑल द अपडेट्स. एंड फाइनल आंसर की अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, एंड मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, आप देखोगे उस वीडियो के नीचे भी मैंने टेलीग्राम हैंडल का लिंक अटैच किया है ताकि आप वहां पे जाके आंसर की को देख लें और यहां पर भी देख सकते हैं. जो विड्रॉ हुई थी उसकी बात मैं कर रही हूँ क्योंकि अब तो हमारे पास फाइनल आ ही गई है वेबसाइट पर, तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हो. एंड इसी के साथ कट ऑफ की मैं बात कर लूँ तो हम नेट और जेआरएफ की बात करते हैं. रही बात पीएचडी की तो मैं आउट ऑफ द ब्लू ऐसी कुछ नहीं बोलूंगी, बट हाँ जो हमारा नेट का स्कोर है वहां से हम 5-6% नीचे कर सकते हैं फॉर पीएचडी एलिजिबिलिटी. तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके कर लेना. सिंस हमारे पास इसका कोई सैंपल नहीं है अभी तक तो मैं सिर्फ अज्यूम कर सकती हूँ, बट रिगार्डिंग योर कॉमेंट सेक्शन जो आपने स्कोर कहे हैं और जो इस बार फाइनल आंसर की हमें देखने को मिली, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं हमारे शिफ्ट वन, शिफ्ट टू एंड द वाराणसी सेंटर विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन शिफ्ट टू विच वॉज डैम ईजी. एंड स्पेशली हु इज फ्रॉम वाराणसी सेंटर, प्लीज प्लीज डोंट फील बैड दैट मैम बोल रही है कि कितना ईजी है. आई थिंक ईच वन ऑफ अस नोज द हाउ द पेपर वॉज. एंड अगर मैं एनालाइज करने की बात करूँ, कंपेयर करूँ तो शिफ्ट वन भी इट वॉज fine, it was good as compared to shift 2. Shift 2 is drastic. Shift 2 was a bit uncertain. Some of the questions were way out of the league. तो यहाँ पर और जो final answer की मैं एक चीज देखने को मिली, shift 1 से आपके questions drop हुए हैं. And पहला exam हमारा ठीक था, paper it was doable और फिर questions drop भी हो रहे हैं तो obviously यहाँ से score आपका भी increase हो जाएगा, है ना. जिसने भी question attempt किया है आपको वो score अब यहाँ पे मिल रहा है, तो करीबन 6-7 number आपको यहाँ मिल रहे होंगे अभी तक क्योंकि 6-7 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो. शिफ्ट टू में इतना कुछ हमें ड्रॉप भी नहीं देखने को मिला एंड ऑल्सो शिफ्ट टू वॉज वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू बोथ द शिफ्ट. और शिफ्ट थ्री, मैं उसको शिफ्ट थ्री बोलती हूँ जो कि वाराणसी सेंटर है विच इज बिन इंक्लूडेड इन शिफ्ट टू, वहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी थे और इतने ज़्यादा हमें ड्रॉप नहीं भी देखने को मिले हैं. तो जो मुझे लगता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल द थिंग्स दैट हैपन एंड द वे थिंग्स वर्क, उसके साथ भी मैं ऐड करके चलूँ तो शिफ्ट वन और वाराणसी सेंटर वाला पेपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा आपका कट ऑफ पर. एंड शिफ्ट टू कहीं ना कहीं थोड़ा सा
अफेक्ट कर सकता है रिगार्डिंग दी उनका उनका परसेंटेज थोड़ा सा वो कम हमारा कैलकुलेट बिल्कुल होगा, बट अगर मैं इन तीनों को एक साथ रख के और फिर कैलकुलेट करूँ आपका कैटेगरी वाइज परसेंटेज, सो दिस इज द डाटा आई हैव कम अप विद। अगर आप मेरी पिछले सेशन वाली वीडियो देखोगे जहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करी थी, कोई मैंने उससे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं किया है, बिकॉज उस वक्त पे भी जो मैं बोल रही थी कि क्वेश्चन चैलेंज होंगे, एक्चुअली क्वेश्चन वही चैलेंज हुए हैं, वो हम 10-15 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे थे तब भी, ना ही क्वेश्चन उतने चैलेंज किए गए हैं इस बार भी। तो यहाँ पे जब मैं बात करूं तो अपन ने बस 2 से 3% थोड़ा सा अप किया है रिगार्डिंग शिफ्ट वन एंड वाराणसी पेपर। वाराणसी वाला बाद में हुआ था तो उसके पहले अपन ने उसकी को एनालाइज किया था। तो ये मेरा डाटा है, अगर आप रिलाई करते हैं इनके आसपास तो आई फील यू आर ऑन द सेफर साइड, बट इससे कम मुझे नहीं लगता कि हमारा कट ऑफ जाएगा अगर मैं शिफ्ट वन और वाराणसी सेंटर को साथ लेकर चलती हूँ। ऑफकोर्स अगर मैं शिफ्ट टू को अलग से लेकर चलती हूँ तो बिल्कुल वो स्कोर हमारा कम बनेगा ही बनेगा, बट अपन तीनों को इकट्ठा लेके चले। सो दैट इज द स्लाइड आई हैव कम अप विद। हो सकता है आगे पीछे हो, ऊपर नीचे हो थोड़ा सा बिल्कुल, बट रिजल्ट जब तक नहीं आता है, सेफर साइड पे रहने के लिए, एक तसल्ली लेने के लिए अपन यहाँ पे रिलाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आई फील दिस वुड हेल्प। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे सो आई थॉट टू एड्रेस दिस इन जस्ट 1 मिनट स्लाइड, जहाँ पे हम 5-10 मिनट में बस इसको बात करें और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करें। तो ये मुझे लगता है हो सकता है आपका। बाकी आपके क्या स्कोर बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा वेरिएबिलिटी की गुंजाइश है तो बिल्कुल आई विल बी देयर विद अनदर सेशन, और मे बी आई जस्ट पोस्ट दैट इन द टेलीग्राम ग्रुप, या अपन कहीं पे भी इसको अपडेट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे लगेगा यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस हो सकता है, मैं आपको डाटा दे दूंगी और भी अपडेटेड, बट उसके लिए मुझे आपके डाटा की जरूरत रहेगी। तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में ये चीज बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी नो व्हाट आर योर स्कोर्स सो दैट वी कैन कम अप विद समथिंग बेटर, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे अपने स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपने स्कोर को यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप क्वेश्चंस को इंक्लूड करने के बाद मेन तो यही है ना, ड्रॉप क्वेश्चंस को इंक्लूड करना है। शिफ्ट टू में इतना कुछ नहीं देखने को मिला, एंड ऑल्सो देयर वर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर नॉट चैलेंज्ड ऑल्सो। सो फॉर एग्जांपल पीयर और पीयर का स्पेलिंग अलग था, वो तो ड्रॉप कर दिया है, बट व्हेन इट कम्स टू विलियम जेम्स कॉइन किसने किया है, जहाँ पे मे सिंक्लेयर को यूज किया है, सो प्रॉबली उस क्वेश्चन को इसलिए ड्रॉप नहीं किया गया है बिकॉज द ओनली पर्सन हु कुड हैव रिलेटेड टू द टर्म वॉज मे सिंक्लेयर इन ऑल दोज ऑप्शंस, बट हम वहाँ पे कॉइनेज की बात कर रहे थे तो वहाँ कॉइनेज के हिसाब से मे Sinclair doesn't fit actually. She was May Sinclair was the first person to actually apply that term. But ठीक है, anyway, what is happened is happened. जो final answer की उनकी तरफ से आया है. But let's see, let me know how's your score and फिर हम उस पर बात कर सकते हैं in the coming session. ठीक है, चलो. Take care of yourselves. We'll see you in the another session and अपना ध्यान रखो. Result आ जाएगा and let's see what happens. Wishing you all the very best.